फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिक्स चैनल। दोस्तों, आज मैं शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य शिक्षा यानी फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फिजिकल एजुकेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरे चैनल पर फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोज हैं, थ्योरी टॉपिक, एमसीक्यू चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन, सभी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, ये सभी चीजें उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो व्यायाम शरीर को क्या बनाता है? व्यायाम शरीर को क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट है, व्यायाम करने के बाद क्या करना चाहिए? थोड़ी देर आराम करना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? कठिन की, सरल की, क्या, यानी कोई भी चीज करेंगे आपको उसको निरंतर यानी नियमित रूप से करना पड़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? नियमित यानी रोज, डेली बेसिस पे। नेक्स्ट, बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बढ़ती उम्र में अधिकतर आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। नेक्स्ट है, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जैसा कि आप सबको पता है, धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है जो हमारे हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। एंड भोज्य पदार्थों में दूध में आपको कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, तो दूषित भोजन से कौन सा रोग फैल जाता है? दोस्तों, हैजा होता है, ठीक है। और हैजा जो है वह बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, तो अच्छे स्वास्थ्य की क्या पहचान है? देह मांसपेशियां। यदि आप एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से जिएंगे, अच्छे से रूटीन फॉलो करेंगे तो आपकी जो मांसपेशी होगी दिल होगी मजबूत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है, तो कौन सा होता है? इसमें होता है निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए, तो आप सबको पता है प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, कौन करता है? शरीर के रक्त को कौन शुद्ध करता है? जैसे कि हमारे शरीर से समस्त अशुद्ध रक्त को ले जाता है सिराएं, हृदय के दाएं अलिंद में, अब दाएं अलिंद से जाता है दाएं नीले से जाता है पल्मोनरी धमनी के रास्ते यानी फुफ्फुसी धमनी के रास्ते फेफड़े में, और फेफड़े में जाने के बाद उसको मुलाकात होता है ऑक्सीजन से, और वहां ऑक्सीजन से जो रक्त का ऑक्सीजन होता है, जो रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़े में चला जाता है एलोलाई में, और उसके द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। और एलोलाई में जो होता है आपका फेफड़े के एलोलाई में ऑक्सीजन, वो रक्त में आ जाता है और रक्त जो होता है शुद्ध हो जाता है, रक्त शुद्ध होकर पुनः आता है पल्मोनरी सीरा में, उसके बाद पल्मोनरी सीरा उसको दे देता है बाएं अलिंद को, फिर बाएं नीले अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में यानी एरोटा में चला जाता है, एरोटा से समस्त शरीर में भेज दिया जाता है शुद्ध रक्त को, यानी शुद्ध कहां होता है? शुद्ध कौन करता है? तो ऑक्सीजन करता है। रक्त क्षमता कहां है ये पूछेगा तो आपका ब्रिक यानी किडनी हो जाएगा, छानने या फिल्ट्रेशन का कार्य करेगा, अलग करने का काम करेगा
शुद्ध अशुद्ध को तो कृमि, शुद्ध कहाँ होता है फेफड़े में, ऑक्सीजन करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग कहते हैं, किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग जो है जल द्वारा भी फैलता है, वायु द्वारा भी फैलता है और संपर्क द्वारा भी फैलता है। इन तीनों से फैलने वाले रोग को हम कहते हैं संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट है शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को हम कहते हैं प्रतिरोध, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यूनिटी पावर कहते हैं। जिसमें जितना ही रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा कोई भी रोग जल्दी से उसको कवर नहीं कर पाएगा, यानी कि वो उससे जीत लेगा। नेक्स्ट है चेचक के विषाणु का क्या नाम है? तो चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस, यानी कि ये वायरस से फैलने वाला डिजीज है, रोग है। नेक्स्ट डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है, ये डिप्थीरिया जो होता है मुख्य रूप से छोटे बच्चों में होता है। ये डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको रोहिणी भी बोला जाता है, यह कुरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इसमें होता क्या है, जो श्वास नली होता है उसमें जाली बन जाती है और इसमें तीव्र ज्वर और श्वास क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं, क्या है? तो भोजन को विषाक्त बनाता है परजीवी और रासायनिक पदार्थ। नेक्स्ट है टिटनेस में होने वाला मुख्य विकार है, तो टिटनेस में होने वाला मुख्य विकार है, उसका लक्षण होता है शरीर में ऐठन हो जाता है, शरीर पूरा ऐठ जाता है टिटनेस में, और एक क्लास्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है और टिटनेस हमारे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम और पेशियों को प्रभावित करता है और शरीर में झटका, बेहोशी, ऐठन आ जाना इसके लक्षण होते हैं। और दोस्तों टिटनेस जो है उसको धनुष संक्रमण रोग लाकजा भी बोला जाता है। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य कारण है, तो क्या कारण है इसका? टीका लगवाना। संक्रामक रोग से बचाव के लिए मुख्य कारण है टीका लगवाना, जैसे कि टीबी के लिए आपका बीसीजी का टीका लगता है, हेपेटाइटिस के लिए बीपीटी, डिप्थीरिया के लिए भी बीपीटी और काली खांसी के लिए भी बीपीटी का टीका लगता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो यह है आपका चेचक और टीबी भी है आपका वायु द्वारा फैलने वाला रोग। नेक्स्ट है आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है, तो यह शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक, इन तीनों रूप पर निर्भर करता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार हमारा स्वास्थ्य, यानी व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना है और मानसिक रूप से स्वस्थ है, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ है, तब उसको एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट है परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है, तो परजीवी प्लाज्मोडियम क्या उत्पन्न करता है? तो यह मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? मलेरिया रोग को उत्पन्न करता है। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है, यानी प्रोटोजोआ से। इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर और इसमें जो है आपका आरबीसी जो तिल्ली होता है वो प्रभावित होता है। जैसे पीलिया रोग किससे प्रसारित होता है, तो यह जल और भोजन के द्वारा पीलिया रोग फैलता है। जैसा कि यह पीलिया जो होता है वह इसको हम जॉन्डिस या यकृत शोथ या हेपेटाइटिस भी बोलते हैं और यह कई प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी, और यह हमारे यकृत को प्रभावित करता है। इसमें पेट बुखार, वजन घटना, कमजोरी, ये सारे चीजें इसमें लक्षण होती हैं। नेक्स्ट है विषाणुओं के द्वारा बीमारी होती है, तो ये क्या होता है? जो है विषाणु के द्वारा कौन बीमारी होता है? तो दोस्तों विषाणु के द्वारा यहाँ पे हैजा दिया है, यहाँ पे गलत दिया है दोस्तों, जबकि हैजा जो है आपका फैलता है जीवाणु द्वारा, यानी बैक्टीरिया के द्वारा हैजा फैलता है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के द्वारा, और इसमें आंत व आहार नल आपका प्रभावित होता है और वेटिंग दस्त इसका लक्षण होता है। और विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग आपका हो जाएगा, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है
एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हरफूस, डेंगू, ट्रिकोमा, मेनिनजाइटिस, खसरा, गलसुआ यानी मम्स, पीलिया यानी जॉन्डिस, चिकन पॉक्स, पोलियो एंड कॉमन कोल्ड एंड रूबेला मीजल्स यानी जर्मन खसरा, ये सब आपके हैं वायरल डिजीज यानी कि विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका निम्न में से किसे विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है तपेदिक या यशमा, तपेदिक को ही यशमा कहा जाता है और इसको इसका पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है और जो टीबी है या फेफड़े यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यह इसमें ज्वर, खांसी और थूक में रक्त आदि इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो यह वायरस, एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है, आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग कवक यानी फंगस द्वारा उत्पन्न होता है? तो दाद यानी कि रिंग वार्म जो होता है यह फंगस द्वारा फैलता है। फंगस द्वारा और कौन कौन से रोग फैलते हैं? जैसे कि आपका गंजापन हो गया, छाले हो गया, दाद, एथलीट फूट यानी हाथी पाव, दमा, अस्थमा, ये सभी चीजें हैं आपका फंगल डिजीज यानी कि कवक जनित रोग है। सभी रोगों के बारे में मैंने बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, प्रोटोजोआ जनित सभी रोगों को ट्रिक के साथ मैंने बताया है, उन सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं? तो यह आपके भोजन तथा जल जनित रोग है। नेक्स्ट है वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तपेदिक यानी टीबी। नेक्स्ट है जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो हैजा। नेक्स्ट है संपर्क द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो संपर्क द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो सिफिलिस, ठीक है, या सेक्सुअल डिफॉर्मिटी है आपका रोग ये। अब सिफिलिस जो है ट्रिपनोमा पैलिडम से फैलता है बैक्टीरिया से, ट्रिपनोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से ये फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है घाव द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो यह टिटनेस फैलता है। नेक्स्ट है कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है? तो जल द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो विषाणु जनित रोग है, इसको प्रतिश्याम या श्लेष्मा ज्वर भी कहते हैं। यह मिक्सो अर्थो मिक्सो वरिडो वायरस से फैलता है और इन्फ्लुएंजा में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसमें छींक, त्वचा में खराश, आंख व नाक से द्रव बहना, भूख में लगना आदि इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है फील पांव रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो जो फील पांव रोग है वह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट लीकीमिया किसकी बीमारी है? तो लीकीमिया जो है वह रक्त की बीमारी है। नेक्स्ट है छूते की बीमारी नहीं है तो कौन नहीं है? हिस्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह चेचक जो है आपका वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, जिसका वायरस होता है वेरिओला वायरस। नेक्स्ट है मलेरिया रोग फैलता है तो ये किससे फैलता है? आप सबको पता है ये एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है और प्लाज्मोडियम परजीवी यानी प्रोटोजोआ से। इसमें आरबीसी और तिल्ली प्रभावित होती है और ठंड के साथ बुखार आता है, ये इसका लक्षण होता है। नेक्स्ट डिप्थीरिया रोग का संबंध है तो किससे है? कंठ से। इसमें कंठ या श्वास नली में क्या होता है? जाली बन जाता है, श्वास लेने पीड़ा होती है। नेक्स्ट है खसरा रोग का कारण है क्या है? विषाणु द्वारा फैलता है। खसरा रोग किससे फैलता है? विषाणु द्वारा, टोंगा वायरस द्वारा। नेक्स्ट संक्रामक रोग है तो मलेरिया जो है वो संक्रामक रोग है। आपका कैंसर हो गया और मोटापा हो गया, ये संक्रामक रोग नहीं है, ये आपका
आदतों के हिसाब से आपका रोग होता है। जैसे कि जो कैंसर होता है वो कोशिकाओं के अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में विभाजन के कारण होता है। नेक्स्ट है, इस रोग का वाहक गृह मक्खी है, तो यह है आपका हैजा। नेक्स्ट है, टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है, तो टाइफाइड में आते यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो प्रभावित होती है। टाइफाइड जिसको मियादी बुखार, मोतीझरा, आंत्रझर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे आते पाचन तंत्र ज्यादा प्रभावित होता है। ज्वर, दुर्बलता, आंतों में छेद आदि इसके लक्षण है। नेक्स्ट है, वायरस द्वारा होने वाले रोगों में से एक रोग है, तो ये आपका इन्फ्लुएंजा है, जो वायरस के द्वारा फैलता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, पोलियो वायरस का संक्रमण होता है, तो पोलियो वायरस का संक्रमण होता है जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा, यानी जल तथा भोजन के द्वारा। नेक्स्ट है, एचआईवी के द्वारा होने वाला रोग है, तो एड्स। नेक्स्ट है, मलेरिया तथा डेंगू में क्या उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में क्या पाया जाता है, तो मच्छर प्रजाति पाया जाता है, और दोनों मच्छर प्रजाति में क्या है, जो हमारा डेंगू होता है वो आपका एडीज एडचाई मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, यानी फैलते हैं दोनों मच्छर के काटने से ही। नेक्स्ट है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है, क्या है, स्वास्थ्य वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी है आपके विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहां अपनाया गया था, तो यह सबसे पहले फ्रांस में अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई, तो भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना 1939 में किया गया था। नेक्स्ट, स्वास्थ्य वह मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हो, यह कथन किसका है, तो यह कथन है ओल्टमर तथा एसलिंगर का। किसका कथन है, वोल्टमर तथा एसलिंगर का। इनका कहना है कि स्वास्थ्य वह मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हो, तो शारीरिक अंग आंतरिक और बाहरी वातावरण में व्यवस्थित हो, ये आपका की पॉइंट रहेगा, इसको देख के पहचान लीजिएगा कि इनका परिभाषा है। नेक्स्ट, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होता है, संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार कहते किसे है, तो वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, उसे ही संतुलित आहार बोला जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो कम से कम 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, सिंपल कार्य कर रहा है तो 2500 से 3000 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं, तो दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं, क्योंकि दूध में सभी चीजें पाया जाता है। नेक्स्ट है, संतुलित आहार क्या है, तो संतुलित आहार क्या है, जिसमें उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ का समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हो, तथा सुपाच्य हो, आकर्षक हो और रुचिकर हो, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। नेक्स्ट है, वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए वृद्धि काल में प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की संरचना की टूट फूट की मरम्मत करता है। तो जैसे कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, क्या कहते हैं, एक ऊर्जा देने वाले जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है, एक शरीर का निर्माण करने वाले जिसमें प्रोटीन आता है, एक शरीर की रक्षा करने वाले जिसमें विटामिन एंड खनिज लवण आता है।
नेक्स्ट रक्त अल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो लौह तत्व की कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो रक्त की भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम वसा से यानी फैट से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तीनों को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। नेक्स्ट, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है, तो इसके कारण क्वासी वर्कर और मरासमस रोग हो जाता है। कुपोषण के कारण यानी प्रोटीन की कमी के कारण क्वासी वर्कर और मरासमस। ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आया था। नेक्स्ट है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री आहार में कैसी कैलोरी की मात्रा कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है? तो उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वसा की मात्रा होना चाहिए, ये आपके लिए विशेष जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।